द फूड डायरी ऑफ सुरेखा में मैं सुरेखा आप सबों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज दिवाली के उपलक्ष्य में मैं चिवड़ा बनाने जा रही हूँ, तो बिल्कुल भी वक्त न जाया करते हुए चलिए बनाते हैं चिवड़ा। ये पतला वाला चूड़ा मैंने लिया है, इसे मैंने 10 मिनट धूप में रखा था और अब इसे भून रही हूँ। इसे बिल्कुल धीमी आंच पर भूने। इसे मैंने 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है और आप देख सकते हैं कितना कुरकुरा हो गया है। इसे एक प्लेट में निकाल के रखेंगे। अब मुरमुरे को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। एक कटोरी मैंने मुरमुरा लिया है। अब मुरमुरा भी बिल्कुल कुरकुरा हो चुका है। अब इसे भी हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। मैंने 4 से 5 चम्मच तेल लिया है। अब इसमें मूंगफली को फ्राई करेंगे। मूंगफली हो चुकी है, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब गरम तेल में सूखे हुए नारियल के कुछ टुकड़े डालेंगे, इसे भी सुनहरा फ्राई कर लेंगे। अब इसे निकाल लेते हैं और इसे भी प्लेट में रख देते हैं। अब डालेंगे काजू और इसे भी फ्राई कर लेंगे। अब इसे भी निकाल के प्लेट में रखते हैं। सारा भुना और फ्राई किया हुआ जो मिक्सचर है ना, वो मैंने भगोने में निकाल के रखा है ताकि इसे मिक्स करने में आसानी हो सके। तड़के के लिए मैंने वही तेल यूज़ किया है जिसमें सारे आइटम मैंने फ्राई किए थे। सबसे पहले मैं डालूँगी सरसों। सरसों चटकने लगे तो ज़ीरा। अब डालेंगे हींग। हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। हरी मिर्च और कड़ी पत्ता भी डाल दिया है मैंने। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो कम मिर्च लें। अब ये डाल रही हूँ भुना हुआ दलिया। अब इसे मिक्स कर लूँगी। अब इसमें डालूँगी थोड़ी हल्दी, तिल, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ी किशमिश भी मैं डाल रही हूँ, इसको मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ी लाल मिर्च की पाउडर डाल रही हूँ, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस तड़के को मैं इस मिक्सचर में डाल रही हूँ। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो ये चिवड़ा हो गया है बिल्कुल तैयार। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, आप चिवड़ा बना के ज़रूर देखिएगा, साथ में मुझे कमेंट भी कीजिएगा।
तो दोस्तों फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सबों से विदा लेती हूँ। बाय बाय।